की थी, आपने शायद ऐसा पाया है, सही है, सही है। आपकी आवाज मुझे कम मिलती है क्योंकि सर्दी की वजह से मैं सुन नहीं पा रहा हूँ ठीक से, सही है यह बात। चलिए इससे भी बहुत ही बेहतरीन सिंगर को आप तक मैं पहुँचाने जा रहा हूँ, जो अहमदाबाद में कहते हैं यूनिक टोन की मालिका है, और हमने एक मेडली तैयार की है, और उस मेडली पर 1950 से लेकर के अब तक जो अलग अलग सिंगरों ने गाया है, ऐसे अलग अलग मुखड़े को आप तक पेश करने वाले हैं, नूरजा बेगम से शुरू होकर नूरजा बेगम पर ही ख़त्म करने वाले हैं। बहुत अच्छी मेडली को सेट किया है हमारे कीर्ति भाई ने और उनके साथी ने, मैं उनका तारुफ भी कराते चलूं। सारे म्यूजिशियनों ने करीबन डेढ़ महीने की मेहनत, और हमारे सिंगरों ने भी डेढ़ दो महीने की मेहनत के बाद ये शो आप तक भेजा है। आप लोग ने वैसे भी मेरी फेसबुक वॉल पर देखा होगा, जिन्होंने वीडियो बना करके भेजे हैं उन सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ। यहाँ पर हमारे वीरेश नायक जी भी आए हैं जिनका पहला वीडियो गया था, बहुत अच्छी शख्सियत, बहुत दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ। संजय तन्ना मेरे अजीज दोस्त भी यहाँ मौजूद है, मैं उसका भी शुक्र अदा करूँगा। पांचवीर हो में राग स्टूडियो के मालिक ऐसे हैं मेरे दोस्त जैकी दादा बैठे हैं, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ यहाँ आने के लिए। जब तक गुफ्तगू कर ले हमारे कीर्ति शाह साउंड वालों के साथ, तो मैं जितने मेरे मेहमान आए हैं उनका शुक्र अदा करूंगा। यहाँ पर लाल करमवानी जी बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट, जिन्होंने लास्ट वीडियो मेरे लिए बनाया था और मैंने फेसबुक पे उसे अपलोड किया था, मैं उनका भी शुक्र अदा करूंगा। और साथ में शैन शेख जो अहमदाबाद के बहुत ही अच्छे जाने माने सिंगर हैं, शायद बैठे होंगे या उनको कहीं जाना था, मिलकर गए हैं मुझे, मैं उनका भी दिल से स्वागत करता हूँ। ऐसी जानी मानी हस्ती आई है, और इस बीच नॉर्थ गुजरात की बहुत ही जानी मानी हस्ती और प्लेबैक सिंगर, हर सुर के जानकार, सुरों के सरताज मैं जिन्हें कहूंगा, जिनको हर सुर में पता चलता है, ऐसे हमारे अजीज दोस्त शब्बीर मीर यहां पर बैठे हुए हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्तों। तो मैं फिर एक बार बुलाना चाहूंगा रेखा जालन जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज, तालियां बजती रहनी चाहिए दोस्तों।